तो आज की इस वीडियो में आपको इमरजेंसी एक वीडियो बना के आपको अपडेट कर रहा हूँ कि मार्केट में क्या चल रहा है बेसिकली मार्केट क्रैश हो रही है पहले मार्केट पंप हुई है और उसी वक्त फिर उसके बाद मार्केट डंप हुई है ठीक है तो उसकी अपडेट भी मैंने पहले दे दी थी मैं आपको वीडियो भी दिखा देता हूँ यहाँ पे मैंने एक शॉर्ट सी वीडियो बना के शेयर कर दी थी ये वीडियो में मैं आपको बता देता हूँ दे ये अभी से तकरीबन तीस चालीस मिनट तक हर्ड बट आई थिंक दिस इज फेक पंप एंड मार्केट कैन क्रैश सो बैडली फ्रॉम राइट फ्रॉम दिस पॉइंट uh, so 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 be be careful careful with that i i don't think think so. this this pump pump is is really true fake तो रीजन क्या बना है उसकी मैं आपको अपडेट्स बता देता हूँ बेसिकली आज बेसिकली uh, जो फेड की मीटिंग्स uh, थी उनके कमेंट्स थे उनके रिमार्क्स थे वो मैं आपको चेकआउट करवा देता हूँ तो यहाँ पे आज डाटा था बड़ी इंपॉर्टेंट इवेंट्स थे और यहाँ पे इनकी स्पीचेस थी फेड uh, के जो मेंबर्स हैं जैसे ये पॉवल की आ, उसके रिमार्क्स थे उसके रिमार्क्स आने थे उसके अलावा यहाँ पे उसके अलावा नेक्स्ट और भी अभी रिमार्क्स आने आ, विलियम जो इस एफ एम सी के जो एक मीटिंग होती है उसमें जो मेंबर्स होते हैं उसकी जो कमेटी के मेंबर्स होते हैं उनके आज रिमार्क्स आने थी उनकी स्टेटमेंट्स आनी थी अच्छा इस पे तो मैं बाद में बात करता हूँ कि पहले कौन कौन सी नेक्स्ट अभी किस टाइम पे इनकी स्टेटमेंट्स आने वाली हैं लेकिन जो आ चुकी हैं स्टेटमेंट्स वो मैं आपको बता देता हूँ जो बहुत ही डाटा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो डाटा मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ ये कुछ कमेंट्स जो मैंने अपने ग्रुप में शेयर किए हैं ये बेसिकली ग्रुप जो है आपको इंस्टेंट फौरी तौर पर मिल जाता है अभी तो मैं इमरजेंसी में वीडियो बना रहा हूँ लेकिन हर टाइम वीडियो अचानक नहीं बन सकती इसलिए यहाँ पर मैं अपडेट दे देता हूँ तो आप यहाँ पर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो लिंक इसका मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में एज एट बिटवीन यूनिवर्सिटीज़ का एड्रेस और टेलीग्राम पर सर्च करके इसको ज्वाइन कर सकते हो हर जो रिमार्क्स है वो मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट जो डाटा है वो ये है कि इन इफ ये बेसिकली फेड के जो चेयर uh, चेयरमैन हैं पावल जिरोम पावल उनके उनके रिमार्क्स से इफ़ इन्फ्लेशन डज नॉट कम डाउन टू टू परसेंट वी माइट नीड टू इंक्रीज़ इंटरेस्ट रेट्स फर्दर ठीक है तो इंटरेस्ट uh, रेट मजीद इंक्रीज़ करने की उन्होंने बात की है फिर उसके बाद एक न्यूज़ और भी है जो ए आई की कॉइन्स के हवाले से है इसके बाद इस न्यूज़ पर आपने इसको मैं आपको बता देता हूँ उसके बाद आपने फोकस रखना में आपको बताता हूँ कि ये न्यूज़ मैं आपके साथ क्योंकि शेयर कर रहा हूँ ये हर एक डिफरेंट न्यूज़ है वी विल शो हाउ ए आई विल रीशेप सर्च तो ये माइक्रोसॉफ्ट इस पर स्टेटमेंट दे रहा है यह भी एक बड़ी न्यूज़ है खेर उसके अलावा मैं आपको और इस पर रिमार्क्स दे देता हूँ कि सारे मैंने अपने ग्रुप में शेयर किए हुए हैं डाटा कलेक्ट करके तो यह भी पॉवल की स्टेटमेंट थी द यूनाइटेड स्टेट्स इज ओनली एट द बिगनिंग ऑफ द डिफिलेशनरी प्रोसेस तो ये एक नेगेटिव न्यूज़ है उन्होंने कहा कि जो इन्फ्लेशन को कम करने की की अभी सिर्फ हमने शुरुआत की है और अभी जस्ट जस्ट ये बिगनिंग है तो मतलब अभी बिगनिंग है तो सोचिए कितना टाइम अभी रहता है कि इन्फ्लेशन कम होने में तो जब तक इन्फ्लेशन कम नहीं होगी तो मार्केट्स पे भी उसकी एक बैड इम्पैक्ट्स रहेंगे उसके अलावा एक और कमेंट उन्होंने किया कि वी नीड टू बी पेशेंट नॉट सी डिस इन्फ्लेशन इन सर्विसिज सेक्टर तो नॉट सींग डिसलेशन इन सर्विसेज सेक्टर तो सर्विसेज सेक्टर के बारे में नेगेटिव न्यूज़ है कि सर्विसेज सेक्टर में अभी इन्फ्लेशन कम नहीं हो रही उसके अलावा फिर और भी उन्होंने कुछ रिमार्क्स दिए वो भी मैं बता देता हूँ कि द फेड हैज़ द टूल टू अचीव इट्स टू परसेंट टारगेट ओवर टाइम बट द ग्लोबल इवेंट्स इन्फ्लुएंस इन्फ्लेशन तो इस मीटिंग में इन्होंने रिमार्क्स दिए इस कॉमेंट में ये बता रहे हैं कि uh, हमारे पास वो टूल्स हैं कि हम टू परसेंट को अचीव कर लें लेकिन जो ग्लोबल इवेंट्स हैं वो इन्फ्लुएंस कर रहे हैं और इन्फ्लेशन कंट्रोल नहीं होगी अब ग्लो, ग्लो, ग्लोबल इवेंट्स कौन से हैं जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को इस चैनल पे शेयर कर चुका हूँ और मल्टीपल दफ़ा आपको बता चुका हूँ कि जो भी लोग आपको ये कह रहे होते हैं कि बिटकॉइन बस पंप करने वाला है एक ही दफा तीस डॉलर पर पचास डॉलर पर जाएगा तो मैंने आपको बताया कि ग्लोबल इवेंट्स देखने पड़ते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक कंडीशन दुनिया की किस तरह की है तो वो बहुत ही बुरी है अब ग्लोबल इवेंट्स में आता है रशिया यूक्रेन वार जो बहुत ही बुरी कंडीशन है आज से दो दिन पहले मैंने आपको एक वीडियो डिटेल से बना के इसी चैनल में बताइए कि क्या क्या इवेंट्स हैं और किन चीज़ों की वजह से बिटकॉइन या दुनिया की मार्केट्स है वो अभी इतनी जल्दी ग्रो नहीं कर सकती तो अलावा नेक्स्ट कमेंट है नो वन शुड बिलीव द फेड कैन प्रोटेक्ट द इफ द डेट सीलिंग इज नॉट इकॉमी तो बेसिकली यू भी डिफॉल्ट होने वाला है और उसके हवाले से आपको पता होगा कि उनकी जो इकतीस ट्रिलियन डॉलर की जो डेट सीलिंग है अगर वो उसके लिए फंड रेजिंग ना कर सके तो उनके लिए बहुत ही उनकी इकॉनमी के लिए बहुत सारे इशूज क्रिएट हो जाएंगे तो ये उसके हवाले से उन्होंने कहा कि नो वन शुड बिलीव द फेड कैन प्रोटेक्ट द इकोनॉमी कि उन्होंने कहा कि कोई भी इस बात पर बिलीव ना करे कि जो फेड, फेडरल रिजर्व है वो इकोनॉमी को कंट्रोल कर सकता है उसको प्रोटेक्ट कर सकता है अगर डेट सीलिंग को रेज ना किया गया ठीक है उसके अलावा एक और न्यूज़ है कि इफ इट इज़ इनकरेजिंग दैट दिस इन्फ्लेशन हैज़ बिगन विदाउट काजिंग हार्म टू द लेबर मार्केट तो लेबर मार्केट की यू की जो लेबर मार्केट है उसके वाले से पॉजिटिव न्यूज है ये पॉजिटिव रिमार्क्स हैं उसके अलावा नेक्स्ट है बिकॉज द इकोनी इज स्ट्रॉन्ग द लेर मार्केट इज स्ट्रॉन्ग ये भी पॉजिटिव है उसके अलावा एक और है इट विल ऑलमोस्ट सर्टेनली टेक अंटिल नेक्स्ट ईयर टू गेट डाउन टू 2 परसेंट तो इन्होंने इसमें बोला है कि कम से कम अगले एक अगले साल तक जो है ना टू परसेंट तक इन्फ्लेशन का उनको यू का जो इन्फ्लेशन का रेट है वो टू परसेंट तक लेके ले जाना जा रहे हैं और अभी सिक्स पॉइंट फाइव पे है ठीक है तो टू परसेंट का उन्होंने कहा कि नेक्स्ट ईयर तक हम तकरीबन टू परसेंट की ग्रोथ को जो, को जो है उसके रेट को मीट आउट कर सकते हैं उसके अलावा उन्होंने कहा कि द मैसेज फ्राम लास्ट वीक्स एफ ओ एम सी द मैसेज द लास्ट एफ ओ एम सी दैट द डिस इन्फ्लेशनरी प्रोसेस वॉज बिगन बट देर इज स्टिल अंग वे टू गो उन्हें कहा कि डिस इन्फ्लेशनरी यानी इन्फ्लेशन को कम करने का प्रोसेस वो स्टार्ट हो चुका है लेकिन इट्स स्टिल अ लॉन्ग वे टू गो यानी अभी इसमें बहुत टाइम लगेगा उसके अलावा लास्ट यह है कि आई इंटेंड टू रेज रेट्स बाई फिफ्टी बेसिस पॉइंट्स इन मार्च अब जो नेक्स्ट एफ ओ एम सी की मीटिंग है वो मार्च में है तो ये जो लास्ट जनवरी में जो सॉरी फेबररी में जो एफ ओ एम सी की मीटिंग हुई है इसमें जो आ, मतलब जो इंटरेस्ट रेट उन्होंने इंक्रीज़ किए हैं वो जीरो पॉइंट टू फाइव परसेंट किए यानी ट्वेंटी फाइव बेसिस पॉइंट्स इंक्रीज किए और मार्च में जो नेक्स्ट मंथ जो अभी इनके एफ एम सी की मीटिंग होने जा रही है उसमें वो कह रहे हैं कि आई इंटेंड हम ये करने जा रहे हैं टू रेज रेट्स बाई फिफ्टी बेसिस पॉइंट यानी जीरो पॉइंट फाइव परसेंट फिफ्टी परसेंट तो अगर जीरो पॉइंट फिफ्टी परसेंटेंट हो गया तो मार्केट बहुत ज़्यादा क्रैश होगी और एक मार्केट दोबारा से बैरि सेंटीमेंट की तरफ चली जाएगी इस तरह की इफ्लेशन एजुकेशनल वीडियोस अगर आपको चाहिए इस तरह की अपडेट्स चाहिए जिनसे आप वाकई में मार्केट मार्केट की एक डायरेक्शन को समझ सकें कि मार्केट में और दुनिया में इकोनॉमिक कंडीशन क्या बन रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें वीडियो को लाइक कर दें इस वक्त रात के बारह बजे आप लोगों के लिए सिर्फ वीडियो बनाई है तो काइंडली वीडियो को लाइक करके कमेंट में बता दें कि आपने पूरी वीडियो देखिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए हाल की हाफिज़ गुड बाई